तो दोस्तों रैलीज इंडिया लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 523 करोड़ के आसपास, पिछले साल 863 करोड़, जबकि अभी देखें तो अभी गिर के 782 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली, लेकिन वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर हल्की सी गिरावट भी देखने को मिल रही। चलिए खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 615 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 777 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 700 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे देखें तो यहाँ पे एक बड़ा सरप्राइज देखने को मिल रहा है। मैंने आपको क्या बताया कि साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन जब क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो एक्सपेंस देखने के लिए जाते हैं तो एक्सपेंस ज़्यादा नहीं बढ़ा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि 15% के आसपास का जंप है, जबकि कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 45% बढ़ा है, 45 से 50% के आसपास बढ़ा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस कंपनी में, इस क्वार्टर में इस कंपनी के लिए। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर कंपनी लॉस में थी, अप्रोक्सीमेटली 69 करोड़ का लॉस था कंपनी को, पिछले साल 67 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट अभी भी 63 करोड़ के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी फिर से घाटे से मुनाफे में आ चुकी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन साल दर साल देखें तो साल दर साल जैसे कंपनी का रेवेन्यू 10% गिरता हुआ देखने को मिला है, वैसे ही कंपनी का प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस माइनस का 3.55, पिछले साल 3.47, अभी देखें तो 3.26 के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर जो है वो अगर क्वार्टर क्वार्टर कंपेयर करें तो क्वार्टर क्वार्टर बहुत शानदार है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है और कंपनी घाटे से मुनाफे में आ चुके हैं। लेकिन साल दर साल देखें तो वहाँ पर हल्का सा 10% के आसपास की गिरावट है रेवेन्यू में और कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही। तो ओवरऑल देखें तो मिक्स टाइप के नंबर है, मिक्स टू पॉजिटिव ही बोलेंगे, निगेटिव तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मिक्स टू पॉजिटिव नंबर देखने को मिले इस क्वार्टर में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।